अयोध्या के फल विक्रेता की टूटी दुकान को नहीं बनने दे रहे हैं जबरन मकान मालिक। खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां पर आजकल नया घाट से लेकर फैजाबाद तक सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसका नाम राम पथ है। इसके दायरे में आने पर बहुत सी दुकान, घर, मकान, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अयोध्या कोतवाली के निकट फल की दुकान लगाने वाले पीड़ित नरेश सोनकर की भी दुकान तोड़ी गई है। आधी दुकान बची हुई है, उसी दुकान की वो मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन उनके मकान मालिक उनकी दुकान नहीं बनने दे रहे हैं। इस संदर्भ में पीड़ित फल विक्रेता नरेश सोनकर ने एडीएम प्रशासन अमित सिंह व कोतवाल मनोज शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने कहा कि ये दुकान हमारी 50 साल पुरानी है, आधा तोड़ दी है, अभी आधा बचा है। जो दुकान बचा है उसका हम मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन मकान मालिक नहीं बनने दे रहे हैं। पीड़ित ने एडीएम प्रशासन और कोतवाल मनोज शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर आज न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाल ने कहा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नरेश कुमार सोनकर है और चार पीढ़ी से हम लोग के जो है दुकान कर रहे हैं, और ये जो है मकान मालिक की बिटिया आई है और ये बनने नहीं दे रही है। नाम नहीं मालूम है, कोतवाली के बगल में दुकान है और मकान माल जो है सामान वामान कह रही कि ये किराएदारी आप लोगों की ख़त्म हो गई है। दुकान तोड़ने के बाद हमारी दुकान जो है लमसम 13-14 फीट बची है। ये मकान मालकिन की लड़की बॉम्बे में थी शायद, और वहीं से आई है। मकान मालिक आपके पहले जो रखी दिए गए थे कौन थे, वो राजा थे क्या थे? नहीं, वो कामता प्रसाद सुंदरलाल के लड़के हैं, श्रीराम अग्रवाल, उनकी ये लड़की है। जी, हम ये चाहते हैं कि जो है हमको बनवाने का आदेश दिया जाए। जी, और जबकि मेरा 2008 में ये कोर्ट का आदेश हुआ है, ये मकान मालकिन ने ही गिरवाया था और कोर्ट से आदेश हुआ है कि आप बनवा लीजिए, और बनवाए और किराएदारी भी में भी एडजस्ट करने के लिए बोले थे। आप ऊपर गए, ऊपर अधिकारी ऊपर अभी गए हैं नहीं गए? नहीं, अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन जो है अब जाने का कोतवाल साहब ने ये कहा है कि एसडीएम साहब से आप मिल लीजिए, और वो जो है जैसा वो कहेंगे हम साहब से जो है हम बात जो है हम हो जाएगी उनसे। नरेश कुमार सोनकर।